हेलो फ्रेंड्स, आपण मानको विद्वान कंपटीशन को स्वागत। आपण माने जदि ए चैनल को सब्सक्राइब करिनांती प्रथमे सब्सक्राइब करिनियंतु। सो आज आम एएसओ जहाँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जाम ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन को द्वारा कंडक्ट करा जाए यार प्रीवियस ईयर रीजनिंग पेपर टी मु डिटेल एनालिसिस करिवि। एहाकु मु दुईटी पार्ट रे कंप्लीट करिवि। टोटल क्वेश्चन नै हेउछि 50 टी। सो पार्ट 1 रे मु 25 टी क्वेश्चन कवर करिवि। चालंतु देखिवा तो एथिरे लिखा जाय जे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 चूज ए करेक्ट सिक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। माने हमको जो क्वेश्चन 1 एंड 2 अछि ताहाको हमें असेंडिंग ऑर्डर रे हमको सजेबा को पड़िबो। तो असेंडिंग ऑर्डर कहले कोन बुझो? असेंडिंग ऑर्डर कहले बडरु सॉरी सानरु बड़ क्रम रे लेखो। तो हमें सानरु बड़ क्रम रे लिखिवा। असेंडिंग ऑर्डर कहले हमें सानरु बड़ लिखिवा सानरु बड़। तो बहुत पिला अछन्ती जे कन्फ्यूज हे जांती असेंडिंग आउ सानरु बड़ को बड़ रु सान कर दियंती। तो एथिरे कोनोसी भी कन्फ्यूज होबार दरकार नै। असेंडिंग ए स्टार्ट होछि तो ता माने सान सानरु बड़। डिसेंडिंग माने हला बड़। डी ई एस सी ई एन डी डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हला बड़ रु सान। डी फॉर बड़ डी ए थरु बड़ होछि सेनो डी डिफर आपण माने रखे जे बड़ रु सान। चलन क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 1 अछि जे 2 टू द पावर 12 देन कॉमा 3 टू द पावर 8 देन कॉमा 4 टू द पावर 7 एंड 10 टू द पावर 3। तो या भितर हमें असेंडिंग ऑर्डर रे एकु सजाइबा। तो प्रथमे आपण हमें एथरे देखिबा जे फर्स्ट देखिबा सबटु सान केउटी। तो 10 टू द पावर 3 तो एथरे जणा पड़ै छि जे 10 टू द पावर 3 रो वैल्यू हला 1000। तो आपण माने जानि पड़थु 10 टू द पावर रो वैल्यू हला 10 टू द पावर 3 रो वैल्यू हला 1000। तो एथिरे एथि 2 अछि तो हमें एथि कोन करियो ना एथि 2 को कन्वर्ट कर दबा। तो हमें एपुरी भी लिखि परिबा 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 7 जे 2 टू द पावर 14। तो एथरे हम को जणा पड़ला जे 2 टू द पावर 12 फॉर 2 टू द 4 टू द पावर 7 बड अछि। तो हमें एथिरे लिखिबा जे सबुठार सान हला 10 टू द पावर 3 देन तो सबुठार सान देन सान हला 2 3 3 पावर 8 जे 2 3 पावर 12 थार बड एत जणा पडुछि जे। तो 2 टू द पावर 12 देन 3 टू द पावर 8 देन 4 टू द पावर 7। तो ए सिक्वेंस हला असेंडिंग ऑर्डर रे हमें सिक्वेंस टिक बाहर कर देले। हमें एबे ऑप्शन को जीवा ऑप्शन रे देखिवा ए सिक्वेंस रे को ऑप्शन टा अछि देखिवा 10 टू द पावर 10 टू द पावर 3 2 टू द पावर 12 4 टू द पावर 7। तो एटा भूल अछि। तो फर्स्ट तो भूल अछि आपण चेक करिवा ही फर्स्ट ऑप्शन दरकार ही नै। तो सेकंड ऑप्शन तो आमे सेकंड ऑप्शन भी भूल अछि काहेकि ना 3 टू द पावर 8 सानो अछि 4 टू द पावर 7 तरु। देन ऑप्शन नंबर सी 10 टू द पावर 3 ठीक अछि 2 टू द पावर 12 ठीक अछि 3 टू द पावर 8 ठीक अछि 2 टू द पावर 7 ठीक अछि। एटा पूरा सिक्वेंशियल ऑर्डर रे लिखा जाय छि जे कि हमरो आंसर हला ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जीवा क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 2 रे लिखा जाय छि जे ट्रिलियन बिलियन मिलियन थाउजेंड। तो हमें एहाकु असेंडिंग ऑर्डर रे सजेबा माने सानरु बड़ क्रम रे सजेबा। तो एथिरे इंटरनेशनल वैल्यू दिया जाय छि ट्रिलियन मिलियन बिलियन थाउजेंड। तो हमर इंडियन वैल्यू थाउजेंड लाख करोड़ ए सब इंडियन वैल्यू कहजे। तो इंटरनेशनल वैल्यू हला मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वार्टरलियन। तो आपण मानको जानिबा को पडियो जे केउथिरे केतोटे जीरो अछि। तो फर्स्ट मु आपण मानको लेखि दो जे थाउजेंड रे तीनोटे जीरो आपण मानको जणाथिबो। बिलियन रे हला 9टी जीरो मिलियन रे हला 6टी जीरो एंड ट्रिलियन रे हला 12टी जीरो। या परे मिलियन बिलियन ट्रिलियन थाउजेंड बिलियन मिलियन थाउजेंड बिलियन मिलियन ट्रिलियन ता परे नेक्स्ट ता कोन थाए जोथरे 15टी जीरो। तो आमे ताको कोन कहबा आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे। तो 15टी जीरो जोथरे थाए सेथरे ताको हम कोन कहबा। तो चलन त एबे देखिबा एबे फर्स्ट हबो 3 नंबर देन 3टा जीरो फर्स्ट आसीबो देन 6टा जीरो देन 9टा जीरो देन 12टा जीरो। तो एठी देखि परिबा जे फर्स्ट अछि 1000 टी फॉर 1000 बोले खेली टी एच फॉर लिखली 1000 काहे कि ना टी रे आ गोटे अछि ट्रिलियन देन लिखिबि मिलियन देन बिलियन देन ट्रिलियन। तो ए सिक्वेंस रे जोटा होछि देखिबा सेटा ही करेक्ट आंसर। तो एथरे हम देखिबा जे 1000 मिलियन
बिलियन एंड ट्रिलियन। तो आपण मैंने मुझे मत कमेंट बॉक्स में जनइबे जे 15 जीरो थिबा इंटरनेशनल वैल्यू को कौन कहा जाए। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एठारे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि जे 3-4। नेक्स्ट क्वेश्चन हैला 3-4 देखिबा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज तीन रु चारि दुटा नंबर सीरीज दिया जाय छि जोंथरे ए रॉन्ग नंबर इज गिवन जोंथरे सीरीज रे मझरे गोटे रॉन्ग नंबर दिया जाय छि फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर हमकु से रॉन्ग नंबर टाकु फाइंड आउट करिया को पड़िबो। तो देखिबा चलंतु देखिबा 2 एंड 6 रो डिफरेंस केते अछि 4 देन 4 एंड 6 एंड 12 रो डिफरेंस हला 6 देन 6 एंड 18 रो हला 6 देन 18 एंड 30 रो डिफरेंस हला 12 देन 32 42 हला 12। तो आपण माने जानि करथु जे अलगा रॉन्ग नंबर टी हेउची 18। तो 18 जगह रे कोन होइतांदा 18 जगह रे 20 होइतांदा। तो एबे जानि परिबे डिफरेंस 4 6 8 10 एंड 12 डिफरेंस आस्ती। तो हमर एठी रॉन्ग नंबर टी हला 18। तो हमर आंसर हला ऑप्शन नंबर सी 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 4। 4 रे लिखा जाय छी 3 2 3 5 7 9 11 13 17 एंड 19। तो आपण मन देख परथु जे सब जाक प्राइम नंबर दिया जाय छी खाली गोटे को छाडी दी। तो प्राइम नंबर कहा को कहंती जेमति 2 2 हला डिविजिबल 1 एंड 2 3 हला डिविजिबल 1 एंड 3 देन 5 5 हला डिविजिबल 1 एंड 5 देन 7 हला डिविजिबल 1 एंड 7 देन 9 हला डिविजिबल 1 3 एंड 9 टेबल रे 9 अछि। एथ्रु हम जानिबो को पाइलु जे प्राइम नंबर जे कि निजे द्वारा डिविजिबल आउ एक द्वारा डिविजिबल मात्र दुईटी संख्या द्वारा डिविजिबल होतबा दरकार जे कि 1 एंड इटसेल्फ निजे एवं 1 द्वारा डिविजिबल होतबो। ताहले एठारे 9 हला हमर रॉन्ग नंबर 90 को लेखा जाय छि जे 9 टा हला गोटे ऑड नंबर एटा प्राइम नंबर नु तो सब जाक प्राइम नंबर 9 टा हला ऑड नंबर। तो 9 टा हला एठारे आंसर। तो आपण माने बुझी पले प्राइम नंबर खा कोनते प्राइम नंबर जों थरे निजे बा एक द्वारा डिविजिबल होतबा संख्याटी प्राइम नंबर कहंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 5 रे गोटे सीरीज दिया आइछि जें थरे 8 6 1 2 3 8 7 4 2 1 5 7 8 6 2 1 7 4 1 7 1 4 1 3 2 and 8 6। तो एथरे लिखा जाय जे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 ईच। हम को खोजियो को पडिवो जे एमती नंबर दीटा जों थरे की डिफरेंस 2 रही छि कतटी पेयर एमती अछि। तो हम एठ देखि पाले जे 8 एंड 6 गोटे पेयर जों थरे डिफरेंस 2 रही छि आउ 1 एंड 2 3 एंड 2 एंड 3 ना एथरे भी नाही 2 एंड 4 एंड 2 रे अछि डिफरेंस 2 7 एंड 5 एंड 7 रे डिफरेंस 2 अछि 8 एंड 6 रे डिफरेंस 2 अछि देन 8 एंड 6 रे डिफरेंस 2 अछि। तो हमकु केतटा नंबर केतटा पेयर मिलला जे कि 1 2 3 4 एंड 5। तो केतटी पेयर मिलला 5। तो एठारे ऑप्शन नंबर सी हला 5टी पेयर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आंसर हला ऑप्शन नंबर सी 5 पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिबा। सो क्वेश्चन नंबर 6 हला बेस्ड ऑन रैंकिंग। तो देखिबा लत्ता रैंक्ड 8th फ्रॉम द टॉप टॉप रु लत्ता हला 8 लत्ता तापर देखिबा 39th फ्रॉम द बॉटम बॉटम रु 39 के सही लत्ता। तो बॉटम रु केते हला 39। तो आप क्वेश्चन कोन पचार छी ना हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास। तो क्लास रे केतोटी स्टूडेंट अछंती तो केतोटी छात्र अछंती क्लास रे हम देखिबा जे 39 एठी कोन करिया ना 39 ऐड 8 ऐड कर देबा जे की हला 47 हला। तो लत्ता को हमें दी थोर ऊपर आडू टॉप आडू भी काउंट करछंती ताहाले नीचे आडू बॉटम आडू भी काउंट करछंती। तो लत्ता को हमें तेतेरु 1 माइनस करबा काहेकि ना लत्ता दी जणो नो जणे तो माइनस कर देले 1 केते हला 46। तो एठारे हमर आंसर हला 46 स्टूडेंट। तो टोटल क्लास रे केते स्टूडेंट हले 46 आपण माने बुझी पाले। त
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 7 टू 9। तो व्हिच ऑफ द जंबल्ड वर्ड्स इज द ऑड वन आउट। तो जो जंबल्ड वर्ड अछि 7 8 एंड 9 सेथिर आमे हमकु ऑड वन आउट बाहर करिया पडियो। जंबल्ड वर्ड माने असजडा होइ के लेखा जाय छि, आमे सजडी के लिखिबा, सजडी लिख सला परे कोटा अलगा ताकु बाहर करिबा। पण माने क्वेश्चन भी परीक्षा रे परीक्षा देला बेले क्वेश्चन माने आपण माने क्वेश्चन भी ठीक से पढिबे। जहाँ कि जंबल वर्ड, तो जंबल वर्ड फर्स्ट लिखा जाय छि जे एफ आर, तो फर्स्ट लिखा जाय छि जे जिराफ, तो जी जिराफ फर्स्ट वर्ड रे लिखा जाय छि। तो मु आपण मानको पे जंबल वर्ड को सजाड़ी देली। तो फर्स्ट वर्ड है जिराफ, सेकंड वर्ड है क्रो लिखा जाय छि, तो थर्ड वर्ड है चिकन लिखा जाय छि, डी डी ऑप्शन नंबर डी है ओस्ट्रिच लिखा जाय छि। आपण माने एथि जानि परथु जे कोठी क्योंटी अलग। तो सब क्रो चिकेन ओस्ट्रिच ये है बर्ड्स, देन जिराफ इज ए एनिमल, तो ऑप्शन नंबर ए इज ऑड। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 आम देखा से फर्स्ट लिखा जा आर ए टी रे सजाड़ा, आर ए टी रेट, सी ए टी कैट, डी ओ जी डग, एच ए टी हार्ट। तो आपण माने जानि परथुबे जे रेट कैट डॉग ए लिविंग थिंग्स तीनटा, हार्ट जोटा कि आम टोपी कहती हार्ट गोटे नॉन लिविंग थिंग्स, तो एथरे डी ऑप्शन नंबर डी हला हार्ट अलगा ऑड हला। क्वेश्चन नंबर 8 रे ऑड हला डी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिबा, क्वेश्चन नंबर 9 रे लिखा जाय छि जे ओ ताको सजाड़ीबा हाउस लिखा जाय छी हाउस, तापरे टेम्पल, देन मोस्क, देन चर्च। तो आपण मन जानि परथु जे हाउस टेम्पल मोस्क चर्च, तो हाउस तो ऑड वन तो जाना पड़ चुका है। अपन माने इतने सहज क्वेश्चन जी अपन माने जान पड़ते हैं, छोटा पिला भी कर पड़िए। तो टेंपल को हिंदू माने पूजा करिया जानती, मुस्लिम माने मॉस्क जानती, क्रिश्चियन माने चर्च जानते, हाउस रे लोक माने पूजा करंती नि रुहंती। तो भगवान ए सब रे हिंदू मान कर भगवान, क्रिश्चियन मान कर भगवान एंड मुस्लिम मान कर भगवान रुहंती, तो हाउस रे लोक माने रुहंती। तो एथरे अलग हला हाउस। चलंतु नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आपण मानन को पई रही छी पजल। तो 10 इन 11 आपण देखिबा जे 6 पर्सन 6 जण लोक अछंती, जेउतरे ए बी सी जे माने हले ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल रे 6 जण बसछंती इक्वल डिस्टेंस रे फ्रॉम ईच अदर, समस्त इक्वल डिस्टेंस रे बसिछंती। तो ए इज सिटिंग 2 प्लेस राइट ऑफ बी, ए हला 2 प्लेस राइट बी रो राइट रे, डी नंबर राइट रे बसिछि। हु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑपोजिट टू सी, जे कि डी जे कि बसछि ऑपोजिट ऑफ सी, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी हला इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी रे बसछि, हु इज एग्जैक्टली डी जे कि ई रे ऑपोजिट रे बसछि। आमे फर्स्ट कोन करिया ना 6 टा लोकन को बसे देबा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इक्वल डिस्टेंस हला नि आपन माने एको भाबिनो त जे एटा इक्वल डिस्टेंस। तो कौन करिया फर्स्ट ए को बसिया, कौन कहि ए, ए इज सेटिंग टू राइट ऑफ बी, तो आमे राइट देखिबा राइट, तो एगुला आमे जीवा राइट, तो नेक्स्ट राइट देखिबा। तो एठी जदी बी हला बी बी रो राइट रे, बी रो राइट रे ए बसला, देन कौन कहि छि बी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ सी, तो बी एठी हले तार ऑपोजिट रे हला सी। तापर कौन कहला सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी रो लेफ्ट रे सी बसला, तो हु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ई, तो डी हला कहार ऑपोजिट रे, ई रो ऑपोजिट रे। तो आउ जण रहला जे कि एफ रहला। चलो तो क्वेश्चन डायग्राम आउ थरे चेक कर लबा, ए इज सिटिंग टू प्लेस राइट ऑफ बी, ए इज टू प्लेस राइट ऑफ बी एंड हु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू सी, जे कि बी सी रो ऑपोजिट रे बसिछि, देन C is on immediate left of D, C hala immediate left of D, thik achi C D who is exactly opposite of E, thik achi tala chalantu question number 10 dekhiwa, question number 10 koi je
हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी मझे बसा गोटे ओनली पर्सन किए, तो ए एंड बी आम सल्यूशन करदे ए एंड बी डायग्राम बन ए आउ बी, तो ए बी मझे किए बसला ए एंड बी मझे इ अच्छी, तो यार ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, ए एंड बी मझे इ. तापर देखियो क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल सबटेंडेड बाय सी एंड एफ एट द सेंटर ऑफ द टेबल इज, तो आम एठार तो इक्वल रे बसे ना आम जापर कौ एंगलटा, तो आम कौन कर देखिए फर्स्ट देखने सेंटर सेंटर रु से कही सी एंड एफ, तो एफ एंड सी, तो यही एंगलटा के पूरा फर्स्ट मानने एटा है 90 डिग्री, तो आपण मैंने जापर थे 90 डिग्री अधा पूरा हेले 180 डिग्री, तो आम एवं जावा ऑप्शन को ऑप्शन द्वारा ही करहब एटा, तो 60 डिग्री लिखाई, तो 60 डिग्री हेनी कदापि कहीं 90 डिग्री पर अच्छी, तो देन लिखाई 120 पर देखा, तो ऑप्शन नंबर सी देखो 90 डिग्री कदापि हेनी सी अच्छी 90 रु अधिक, तो 180 भी कदापि हेनी कहीं 180 रु कम स्ट्रेट एंगल है 180, आम जब पूरा स्ट्रेट एफ एंड ए करें तो 180 हो, तो ऑप्शन आ गोटे बढ़ला जे कि ऑप्शन नंबर बी 120, तो आपण मैंने जापारे आम आनुमानिक तो किसी कही पारे कहीं आम इक्वाल डिस्टान्स बसे ना इक्वाल तो यार एग्जामिनर भी एत कन्फ्यूज ऑप्शन भी देना, तो आपण मैंने ऑड वन आउट करके भी ऑप्शन द्वारा ही करें, तो यार 11 नंबर ऑप्शन नंबर बी है 120 करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखा, फर्स्ट लिखा जा लता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज गीता, 3 years ago she was 3 times as old as गीता, तो हाउ ओल्ड लता इज नाउ, तो लता कौन है 2 वर्ष अधिक गीता ठार, जब ये जी लिखले एल, तो लता कौन है तो ये गीता है एक्स लता है तार 2x, तो कौन है 3 years ago 3 वर्ष पूर्व धर 2x लता 3 वर्ष पूर्व 2x-3 इक्वल्स टू 3 गुण गीतार गीतार गीता है 3 गीता है एक्स 3x, तो आम एटार सल्यूशन कले तो एक्स बाहर एक्स इक्वल्स टू 3, तो यहाँ एपड़क आसला प्लस टा सेपट गल माइनस हो गला, तो एक्स इक्वल्स टू 3 देन एक्स जदि 3 बाहरला एठार आमको पचारे हाउ ओल्ड लता इज नाउ लता है 2x, तो इंटु 2 है 6, तो यार आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 years, तो आपड़ भी जापर जो 8 years हमें आउ ओपीएससी साइट रे जो आंसर सी छाड़ा से 12 ऑप्शन करेक्ट देता, तो 12 ऑप्शन भी आपंकर होर आप लता को 12 भावतु गीता तार अधा मान डबल, तो गीता है 6 देन 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व 3 माइनस कर दिंतु एथरे 3 माइनस कर दिंतु 9 है, तो एथरे भी 3 माइनस कर दिंतु, तो 3 है, तो ये भी 3 टाइम्स हो, तो ऑप्शन नंबर डी एंड ए बोथ करेक्ट, तो बोथ करेक्ट, तो यार कुछ कहीहबनी आप जहा कर से आते कमेंट बक्स जन जदि मोर कि भूल हो जाए करिवारे, तो आपण मैंने कमेंट बक्स में जनवे, किंतु एग्जामिनर 2टा ऑप्शन ही देछि 2टा ऑप्शन सॉल्यूशन क्वालिफाई करूछि क्वेश्चन को, तो तापर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड देन 135 इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो कौ डायरेक्शन रे फेसिंग करछि से आमे फर्स्ट डायरेक्शन कर दबा फर्स्ट नॉर्थ देन साउथ देन वेस्ट देन ईस्ट, तो फर्स्ट मझे कर नॉर्थ ईस्ट देन नॉर्थ वेस्ट तापर हला वेस्ट साउथ देन ईस्ट एंड वेस्ट, देखिबा फर्स्ट कौन कही मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो मैन धर एक सेंटर रहा से फेस कला नॉर्थ वेस्ट को, तो फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट को फेस कला देन
कौन कला ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज गला तो क्लॉकवाइज माने इड़े जीव तो एपटर गला 90 एटा हला 45 प्रति जे हला एंगल हला 45 45 45 90 तो से एट रहला 90 डिग्री रे 90 डिग्री रहला माने नॉर्थ ईस्ट रे रहला देन कौन कला ना एंटी क्लॉकवाइज पण एमती आसला उल्टा आसला जेमती जाईतला सेमती उल्टा आसला फर्स्ट केते आसला 135 तो फर्स्ट 90 हला देन 90 प्लस 45 135 तो यहा से क्यों जगह रे पहुंचला क्यों आड़ी की मो कला को आड़ी की तो आपण मन जान करथु एटा कोन वेस्ट तो वेस्ट आड़ी की से फेस कला तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी वेस्ट हला करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आमे देखिबा बे तो हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड्स एंथुसियास्टिक ईच ऑफ व्हिच हैज as many letters between them in the word as there are between them in English alphabet. तो जो enthusiastic लिखा जाए ची इतने कितोटी pair word अच्छी pair word पहले माने next number जो परिकी हमें देखिवा e e लिखा जाए ची e पर हमें count करिया e पर f g h तो हम को इतने रे गुटे pair word मिल गला i j k l m n o तो मिल गया and then n सु n रू काउंट करिवा n o p q r s t m t काउंट करिवा t u v w x y z होनी h h i j k l m n o p होनी u v w x y z तो then s and t तो एठरे s and t दुईटी पेयर तो एठरे ऑप्शन ही दुई नहीं तो 3 अछि 4 अछि 5 अछि तो आंसर हला d none of the अबव तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 16 देखिबा स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली तो फर्स्ट गोटे अरेंजमेंट दिया है जी जेंथरे कि नंबर लेटर एंड सिंबल रही जी तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हला कहि छी हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर केतोटी सिंबल अछि कि जहा कि इन द अबव अरेंजमेंट गोटे ऊपर जो अरेंजमेंट लिखा जाय छी ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वोवेल एंड not immediately preceded by a number kintu number dwara preceded hoi nathibo ame kon kariya first symbol mu s denote kali symbol ku then kon kai chi immediately followed by a vowel to mu vowel pai v ku denote kali apan mane bi emti likhi paribe not immediately preceded by a number kintu number ku preceded karu nathibo to number ku preceded karu nathibo mu number ku likhi ki chapi mar del to amaku ei sequence ku ethire khojiba ku padibo ethire ketoti ei pari sequence achi तो चलन तो देखिबा फर्स्ट देखिबा सिंबल सिंबल हम देख दबा सिंबल एटी गोटे दीटा तीनटा देन चारटा तो सिंबल देखि देले सिंबल परे रहिबा दरकार जे भावेल सिंबल परे भावेल अछि देन नंबर नंबर नाही लेटर अछि त हले हमकु गोटे मिलि गला तो 1 मिलि गला देन देखिबा फिर सेकंड देखिबा सिंबल सिंबल मिलि गला हमकु से सिंबल परे भावेल एटा नाही एटा हबनी सिंबल पर भावेल दरकार हमकु सिंबल सिंबल पर भावेल अछि ई देन ता पूर्वटा नंबर होइ नथिबा दरकार त ता पूर्वरु लेटर अछि तो सेकंड भी हमकु मिलि गला तो सेकंड भी हमकु मिलि गला तापर देखिया सिंबल सिंबल पर तो किछ नाही तो हमकु एथि मिलला जे दुईटी पेयर तो एई भले दुईटी पेयर अछि ऑप्शन नंबर बी आपन माने जदि ओड माने बुझि परले तो देखिबा आउथरे मु आपन मानकु बुझै दउ छी तो फर्स्ट कोन करिवे ना हाउ मेनी सच सिंबल्स सिंबल्स लिखि देबे एंड फॉलोड बाय वी भाई भी फॉर भावेल केतटा सिंबल अछि जे कि भावेल को फॉलोड करथु आउ प्रेसिडेंट नंबर नंबर को प्रेसिडेंट करू नथिबो तो एथिरे सिंबल को खोजि देबे आगे सिंबल परे भावेल थिबा दरकार एवं सिंगल सिंबल पूर्वरु नंबर नथिबा दरकार तो हमकु मिलि गला टी हैस एंड ए गोटे गोटे पेयर मिलि गला जेंथरे कि हमकु जहां क्वेश्चन कोइ छि तहा मिलिला एवं के सिंबल एंड ई तो क्वेश्चन नंबर 15 रो आंसर हला 2 चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 एथरे कहि छि जे हाउ मेनी सच नंबर्स नंबर लिख देबा एन डिनोट करली नंबर पई आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच फॉलोड प्रीसीडेड बाय अ लेटर तो प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल तो आपण सिंबल को राइट साइड रे लिखिबे लेफ्ट साइड रे प्रेसिडेंट जो नंबर करथु फॉलोड जो नंबर करथु ताको राइट साइड रे लिखिए प्रेसिडेंट जो नंबर करथु ताको लेफ्ट साइड रे लिखिए तो हमें खोजिबा एल एन एंड एस एल एन एस खोजिबा एल एन एंड एस माने फर्स्ट नंबर देखिबा हमें नंबर केतोटी अछि नंबर एथि हम गोटे मिलि वाला 7 देन 2
देन फाइव तो नंबर पर आम पूर्व लेटर दरकार नंबर पूर्व लेटर अच्छी देन सिंबल दरकार तो एटा हबनी नंबर नंबर मिलगला नंबर पर सिंबल दरकार तो एटा भी हबनी नंबर नंबर पर सिंबल दरकार एटा भी हबनी तो एठार कौन से बिटी भी सेमती फॉलो होनी तो क्वेश्चन नंबर ए नॉन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हला नॉन कौन से टीवी नुह तो तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 टू 18 क्वेश्चन नंबर 17 टू 18 होची सिलोगिज्म अछि जेउथरे देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 17 रे मैं आपन मन पई एबे गोटे सिस्टम गोटे ट्रिक कहबी तापर एग्जाम परे मु आपन मन को पई एटा होची सिलोगिज्म रे आसुची मु आपन को पई गोटे ट्रिक आणवि जोंथरे आपण माने जस्ट नानो सेकंड रे ही क्वेश्चन आंसर करि परिबे जेंति 10 सेकंड ही आंसर क्वेश्चन पे 10 सेकंड बिलो 10 सेकंड रे भी 10 सेकंड बिना बेनी क्वेश्चन रा आंसर कहिबे करि परिबे तो फर्स्ट देखिबा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोन कहिछि फर्स्ट आई रे सम बॉयज आर टॉल तो सम बॉयज आर टॉल तो किछि बॉयज अछन्ति तो ए मु जा सेड कलि से माने हले टॉल बॉयज तो एमाने टी देन एटा हला बॉयज तो तापर कहला ऑल टॉल बॉयज आर स्मार्ट ए सब ऑल टॉल बॉयज हला स्मार्ट तो या धरे भी किछ बॉयज अछंती देन सम बॉयज आर स्मार्ट तो या धरे भी किछ बॉयज जो अछंती से माने भी स्मार्ट हेबे जानि परथिले आपण जानि परथुबे तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करूची आई फॉलो करूची देन सेकंड नंबर रे जीवा 2 आई को जीवा सम बॉयज आर टॉल तो सम बॉयज आर टॉल तो टॉल बॉयज रहिले सम बॉयज आर टॉल जेतिक मु सेड कलि से माने हले टॉल देन सम बॉयज आर स्मार्ट देछि ऊपर दिला ऑल टॉल पर्सन आर स्मार्ट तो ऑल बॉयज आर स्मार्ट ए माने स्मार्ट अछि कि बॉय तो कोन कहला ना बॉयज आर इदर टॉल और स्मार्ट बॉयज आर इदर टॉल और स्मार्ट ना बिल्कुल भी नहीं बॉयज आर टॉल भी स्मार्ट भी तो एठारे नाइदर नॉर ऑप्शन नंबर सॉरी फर्स्ट ऑप्शन फॉलो करूची तो ऑप्शन नंबर ए हला करेक्ट आंसर ओनली वाई देन क्वेश्चन नंबर 17 जीवा क्वेश्चन नंबर 17 रे कहि छी जे ना सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 रे दे छी जे ऑल कॉइन आर क्रो ऑल कॉइन तो ये हला कॉइन सी एन डिनोट कली एंड क्रो सी आर मु डिनोट कली ऑल कॉइन्स आर क्रो तो सम क्रो आर पेन सम क्रो आर पेन तो सम क्रो आर पेन ए टोटल पेन और मझरे भी जति की क्रो रहला से माने हले पेन तो नो पेन इज कॉइन तो नो पेन इज कॉइन तो इम्पॉसिबल नो पॉइंट पेन इज कॉइन तो एटा रॉन्ग अछि तो आपण मन जानथियो पेन भी कॉइन नु हो काई कि ना किछि कॉइन जो अछि सेथिरे जाउछि जे क्रो अछन्ति तो पेन क्रो कंति होइ परिबनि आपण माने एथ्रु भी जानि परिबे जे किछि न होइ कि दिटा पॉजिटिव सेंटेंस ऑल एंड सम दिटा पॉजिटिव सेंटेंस अछि तो नो हि कंक्लूजन आसीबो नै तहाले एटा भूल अछि ऑल कॉइन्स आर क्रो ऑल कॉइन्स आर क्रो ऑल कॉइन्स आर क्रो सम क्रो आर पेन सम क्रो आर पेन सम कॉइन आर पेन सम कॉइन आर पेन तो इम्पॉसिबल सम कॉइन आर पेन हेइ परिबो नाही तो एटा भी फॉलो करूनि तो एटारे ऑप्शन हला ऑप्शन नंबर सी निदर आई और नॉर तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिबा क्वेश्चन नंबर 19 बी गोटे पजल दे छै जे कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 19 एंड 20 फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 5 मिनिस्टर ग्रुप ऑफ 5 जन मिनिस्टर अछन जे कि ए बी सी डी एंड ई एंड 4 ऑफिसर एल एम एन ओ ए टीम ऑफ 5 मेंबर इज चोजन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन तो फर्स्ट आमे देखिबा जे कंडीशन दे छै सी कांट गो विथ ओ A and D have to be together and D can't go with L, C and M have together. So, I'm at the first 19 number of question. If the team consists 3 officer, achanti katara, chatta officer achanti kiye kiye, L, M, N, O and minister achanti A, B, C, D and ই আমি এটা দেখি আছে সে কইছি যে তিনটি অফিসার থিবে তিনটি যে কোন সে এলএমএন হো বা তিনটি অফিসার থিবে আও দেন দ্য নাম্বার অফ দ্য টিম মেম্বার অফ দ্য টিম তো আমি ফার্স্ট অপশন দেখিবা
फर्स्ट ऑप्शन देखिले जे फर्स्ट हला एल एम एन नै छि तीन नोट ऑफिसर नै छि एंड बी सी बी सी आमे देखिबा जे बी सी रहिले तो आमे फर्स्ट ऑप्शन चेक करिवा फर्स्ट ऑप्शन चेक करिया बी फर्स्ट बी देखिबा बी बी एंड एन हैव टुगेदर बी एन टुगेदर अछन दिना नै बी एन टुगेदर अछन के ऑप्शन रे फॉलो करला देन बी कांट विद ई तो बी संगरे ई नथिबो नथिबा दरकार बी संगरे ई भी नहीं फर्स्ट ऑप्शन रे ई नहीं तो सेकंड ऑप्शन फॉलो करला सी एंड एम आर टुगेदर सी आउ एम सी बी अछि एम बी अछि अपन मन देख पड़थे ऑप्शन नंबर ए रे सी एंड एम दीटा अछि टुगेदर एंड डी कांट गो विद एल तो एल संगरे डी नथिबा दरकार एल अछि डी नहीं बा डी थिले एल नथिबा दरकार देन ए एंड डी हैव टुगेदर ए एंड एथरे तो आउ नहीं पांच जन मेंबर हे गले तो सी कांड गो विथ ओ सी थिले ओ थिबनी ओ थिले सी थिबन तो ऑप्शन नंबर ए फॉलो करची एठारे करेक्ट आंसर हला ऑप्शन ए आपण माने ऑप्शन नंबर बी भी चेक करि परंती तो से कहची ए एंड डी हैव टुगेदर ए एंड डी टुगेदर अछंती देन एम एन एम एंड सी टुगेदर हवा दरकार एम एंड एम संगर सी हवा दरकार तो एठी एन दैची तो एटा ऑप्शन नंबर फॉलो करिवनी देन बी फर्स्ट आपर सी ऑप्शन नंबर सी देखिबा बी डी बी डी बी बी हैव टुगेदर विथ एन बी संगर एन एटा फॉलो कला डी ए संगर डी रहिथिबा दरकार डी अछि माने एठी ए हवा दरकार तो ए नाही माने एटा फॉलो करूनी देन क्वेश्चन नंबर डी डी ऑप्शन नंबर डी देखिबा एल एम एल संगर ए एंड डी ए संगर ए लिखा जाय छि जे ए एंड डी हैव टुगेदर तो ए अछि एठी तो डी भी हवा दरकार तो एटा भी फॉलो करूनी तो आमको जाना पड़ला जे ऑप्शन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 तो डी डी इज अ मेंबर ऑफ द टीम एंड द टीम कंसिस्ट्स फोर मिनिस्टर देन द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम आर डेस आमे सब थरे डी जॉइन करिबा एबे जतटा ऑप्शन दे छि डी लिखले तो एबे चेक करिबा तो एबे चेक करिबा कोटा होची करेक्ट आंसर चेक करिबा ए एंड बी तो ए डी टुगेदर हवा दरकार देची ठीक अछि देन बी 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 एंड एन टुगेदर हवा दरकार बी एंड बी एन नहीं तो एटा हबनी बी संगर एन कहै छी जे एठी भी ऑप्शन भी देख परियो जे बी एंड हैव टुगेदर तो एटा फर्स्ट हला भूल सेकंड देखिबा ए एंड डी टुगेदर तो ठीक अछि तो एन संगरे बी हवा दरकार तो एठी एन अछि बी नहीं तो एटा भी भूल देन देखिबा ए संगरे डी ठीक अछि ए संगरे डी ठीक अछि देन सी सी संगरे सी इज एम सी संगरे एम अछि ठीक अछि एंड ई तो ऑप्शन नंबर सी एठारे फॉलो करूछि तो क्वेश्चन नंबर 20 रा आंसर हला ऑप्शन नंबर सी तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन 21 to 25 तो देखिबा सेकंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड तो पोटैटो स्टेम आम पोटैटो जो खाउछु सेटा कोन सेटा होची गोटे प्रकार स्टेम देन टर्निप जो खांते सेटा होची गोटे प्रकार कोन एटा बहुत इजी क्वेश्चन आपन मन जानि पड़थिबे ऑप्शन नंबर सी रूट टर्निप इज रूट देन क्वेश्चन नंबर 22 एलिमेंट हला आर्गन गोटे एलिमेंट देन कंपाउंड इज डेस्क तो या भीतर कोटा कंपाउंड या भीतर कंपाउंड हला वाटर काई किना वाटर होची दुईटी एलिमेंट रे गढ़ा जे कि H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो कॉपर हला गोटे एलिमेंट C एंड हाइड्रोजन हला गोटे एलिमेंट H नियन हला गोटे एलिमेंट Ne तो एटर हर आंसर हला वाटर इज अ कंपाउंड तो अपन मन जान पछि वाटर हला करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इजी रेजिस्टेंस द यूनिट तार देची ओम तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ला यूनिट हला वोल्ट क्वेश्चन नंबर 25 24 जान करथु जे हॉस्टल रे जो माने रोहंती केयर टेकर ताको कोंती वार्डन देन म्यूजियम रे जो माने केयर टेकर रोहंती समान को कोन कोंती तो म्यूजियम रे जो माने रोहंती समान को कुरेटर कोंती क्वेश्चन नंबर 25 देखिबा जे कैट रे किटन देजी कैट रे जो यंग वन ताको किटन कोंती तो लायन रो यंग वन को कोन कोंती लायन रो यंग वन को कॉप कोंती तो आजरो पार्ट 1 सरला मु आपण को मानक पई पार्ट 2 शीघ्र ही आनबी आपण माने जदि चैनल को सब्सक्राइब करना ते प्रथमे सब्सक्राइब करंतु पार्ट 1 सरला आपण मानक पई पार्ट 2 जल्दी आनबी आपण माने जदि चैनल को सब्सक्राइब करना ते जल्दी सब्सक्राइब करंतु ओ वीडियो को अधिक रो अधिक शेयर करंतु एवं लाइक भी मध्य करंतु धन्यवाद।